नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ गोलबंद हुए पार्षद, आयुक्त को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन। डैमेज कंट्रोल को लेकर सीमा साह और राजेश वर्मा ने की आपात बैठक, सांसद और विधायक पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। सेंट्रल जेल के सामने तेज रफ्तार पिकअप वैन और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की मौत दो घायल। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, ड्राइवर सहित दो तस्कर गिरफ्तार। और सरकारी गाइडलाइंस के बावजूद ट्रेनों में नहीं हो रहा नियमों का पालन, बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हैं लोग। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के बाद भागलपुर नगर निगम की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार हलचल नगर सरकार को लेकर है। बुधवार को नगर निगम के 28 पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर को बदलने को लेकर एकजुट दिखे। वहीं पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी को आवेदन दिया। इसके पहले पार्षदों की बैठक नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर हुई, जिसके बाद सभी पार्षद कमिश्नरी पहुंचे। चर्चा के अनुसार गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के भी इस मामले में शामिल होने की बात जोरों पर है। हालांकि डॉक्टर दुबे ने इससे साफ इनकार किया है। मेयर पद की दावेदार बबीता देवी ने बताया कि विकास के मुद्दे पर मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ कई पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने पर एकजुट है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए सारे पार्षद ये निर्णय लिए हैं और आगे जिसको भी मेयर के रूप में देखना चाहेंगे पार्षद लोग अपना तय करेंगे। वहीं डिप्टी मेयर के दावेदारी करने वाले वार्ड नंबर 27 के पार्षद उमर चांद ने कहा कि शहर के विकास के लिए मेयर और डिप्टी मेयर ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए पार्षदों की सहमति से दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने का आवेदन अधिकारियों को आज दिया गया है। उमर जी, चर्चा है कि आपको डिप्टी मेयर बनाया जाएगा, ये तो पार्षदों का सम्मान है, पार्षद लोग जिसको चुन ले उसको हम लोग सम्मान कर देंगे। कितना पार्षद आज आप लोग के साथ है? 40, लगभग 40 पार्षद हम लोग हैं। इधर नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने कहा कि उन्हें पार्षदों का ज्वाइंट लेटर मिला, जिस पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम लोग के पास आया है नगर निगम ऑफिस में और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमको आवेदन दिया है, तो इस पर हम लोग को रूल्स क्या है वो देख करके और डेट वगैरह को दे देना चाहिए। UDHD डिपार्टमेंट से भी हम लोग को कंसल्ट करेंगे, यानी मेरे टेन्योर में ही ये सेकेंड टाइम अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो इसका रूल्स वगैरह हम लोग को देख करके हम लोग एक्ट अपॉन करेंगे। कितने पार्षदों का साइन? 28 पार्षद का साइन है इसमें और सारे 28 पार्षद इधर आया था और साइन करके हमको दिया था, उनको रिसीविंग भी हम लोग दे दिया। नगर निगम की राजनीति ने एक बार फिर करवट ले ली है। इस बार नगर निगम के पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गए हैं। आज यहाँ के जो पार्षद हैं, 28 पार्षदों ने लिखित आवेदन आयुक्त को देकर के और नगर निगम की आयुक्त और साथ ही DDC को देकर के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने की अनुमति मांगी है। अब देखना यह होगा कि अब यह अविश्वास प्रस्ताव कितना कारगर होता है। हालांकि पार्षदों का कहना है कि विकास कार्य ठप है शहर में, इन्हीं विकास के मुद्दे को लेकर के पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी गिराने और बचाने का खेल एक साल बाद फिर शुरू हो गया है। इसके लिए पार्षदों की लॉबिंग चल रही है। मेयर पद के लिए पार्षद बबीता देवी और डिप्टी मेयर के लिए पार्षद मोहम्मद उमर चांद का नाम रेस में आ गए हैं। वहीं इस बीच डैमेज कंट्रोल को लेकर मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर समर्थक पार्षदों की बैठक भी हो रही है। बुधवार को राजेश वर्मा के आवास पर हुई बैठक में मेयर सीमा साहा सहित दो दर्जन से अधिक पार्षद शामिल हुए और अविश्वास प्रस्ताव को षड्यंत्र बताया। दिलचस्प बात यह थी कि मेयर और डिप्टी मेयर के सामने कई ऐसे पार्षद बैठे थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वाले आवेदन पर अपना हस्ताक्षर और मोहर लगाया था।
इस दौरान वार्ड 48 की पार्षद कुमारी कल्पना ने बताया कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया, बल्कि उनके साथ धोखा करके दस्तखत कराया गया है। पढ़े नहीं और साइन कर दिए, लेकिन हमको मेरा ड्यूटी मेयर से कभी नहीं दिक्कत रहा है, नहीं कोई त्रुटि रहा है। हम मेयर के साथ एकदम बहन के जैसा मेरा संबंध है, और राजेश वर्मा जो ड्यूटी मेयर हमारे हैं वो हमारे एकदम छोटा भाई है। वहीं वार्ड संख्या 29 की पार्षद खुशबू कुमारी ने कहा कि उन पर दबाव डालकर उनसे आवेदन पर सिग्नेचर लिया गया है। क्या कहेंगे? सिग्नेचर मोहर हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव डाला जा रहा था। आज मॉर्निंग में जब घर पे सर आ गया तो हम कर दिए हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं, इनसे बात करके हम किए हैं। इसके पहले नगर निगम की महापौर सीमा साहा ने नगर विधायक अजीत शर्मा के बयान पर भी आपत्ति जाहिर की। अब ये तो पेपर के माध्यम से देखे कि आज यहाँ शहर के विधायक जो इसमें दिए थे, तो हमको नहीं लगता ऐसा देना चाहिए, क्योंकि सम्मानित विधायक हैं और कह रहे हैं कि मेयर को काम नहीं कर रही है। हमने तो सारे पार्षद एक करके धरना प्रदर्शन और यहाँ तक नहीं पटना तक किए, डीएम और एसपी सब के पास गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लग रहा है कि जनप्रतिनिधि का काम नहीं गया। हम लोग अभी सारे जनप्रतिनिधि अभी एक होना था, वो नहीं होने के बजाय जो कि अभी प्रशासन को हम लोग दबाव डाल सकते थे, वो नहीं करके बजाय एक जनप्रतिनिधि को मेयर को दबाव डाल रहे हैं कि काम नहीं हो रही है, ये तो आरोप गलत लगा रहे हैं। वही राजेश वर्मा ने कहा कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और शहर के विधायक विधानसभा चुनाव में उनके खड़े होने के बाद से ही ओछी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन सब से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, नगर विधायक, भागलपुर नगर निगम के पूर्व जनप्रतिनिधि, सभी लोग एकमत होकर जो है और विश्वास प्रस्ताव जो है पारित करने के पीछे लगे हुए, तो इसमें वो अपनी ताकत लगाएं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको उचित लगता है वो करें, कोई आपत्ति नहीं है। इससे वो कुर्सी को हिलाने की या गिराने की कवायतों में भले सफल हो सकते हैं, लेकिन मनोबल को गिराने में वो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। टोटल पार्षद मेयर डिप्टी मेयर के साथ है, कुछ पार्षद और जो बड़े लोग चाह रहे हैं ऊपर से कि विकास बाधित हो, और अगला बार भी कोशिश किए थे, उसको अपना वजूद मालूम हो गया था। इस बार भी सारे पार्षद चट्टानी एकता के साथ डिप्टी मेयर और मेयर के साथ है। शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र सेंट्रल जेल के सामने ट्रैक्टर और पिकअप वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पिकअप वैन के ड्राइवर अजय कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन सामान लेकर पटना से पूर्णिया जा रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तिलकामांझी थाना पुलिस ने घायल खलासी और ट्रैक्टर के ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग सनहौला मोड़ के पास एक मिनी ट्रक से विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में ट्रक ड्राइवर शिव कुमार और एक यात्री बिट्टू सिंह शामिल है। गिरफ्तार बिट्टू सिंह ने कहा कि उसकी दादी का आज बरखी है और रास्ते में गाड़ी नहीं मिलने के कारण वह मिनी ट्रक में बैठ गया। वहीं पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए ट्रक से 180 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। बरामद शराब बोकारो से भागलपुर लाया जा रहा था, लेकिन अचानक बीच रास्ते पर जगदीशपुर पुलिस की नजर पड़ी और उसे पकड़ लिया गया। रेल परिचालन शुरू होने के बाद जहां लोगों को रेल यात्रा में राहत मिली है, वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सरकार और रेलवे के लाख प्रयास के बाद भी रेल यात्री मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। वहीं ताजा वीडियो भागलपुर से यशवंतपुर जाने वाली अंग एक्सप्रेस का है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा करने बैठे हैं, जबकि कई यात्रियों ने मास्क रहते हुए भी नहीं लगाया है और सवाल करने पर बहानेबाजी करते दिखे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब आम लोग खुद ही अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा की गई पहल कैसे कारगर हो सकेगी। वहीं इसको लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के चांद जंजुलवाला ने जब रेलवे यात्रियों से मास्क नहीं लगाने के लिए कारण पूछा, तो किसी ने खाना खाने तो किसी ने भीड़ नहीं होने और कोई बाद में लगाने की बात करता दिखाई दिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर एडीएम राजेश झा राजा आज बुधवार को नौगछिया के रंगरा पहुंचे, जहां एडीएम ने अंचल अधिकारी और सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम ने भूमि विवाद से संबंधित कागजातों की जांच की, वहीं दाखिल खारिज और लगान वसूली ऑनलाइन अपडेट करने के साथ आम लोगों की समस्या का निराकरण अविलंब करने का निर्देश दिया। साथ ही एडीएम ने मोटेशन के काम में ढिलाई नहीं बरतने का भी निर्देश देते हुए जनता दरबार सुचारू रूप से लगाने की बात कही। वहीं निरीक्षण के बाद एडीएम राजेश झा राजा ने लगान वसूली, जमाबंदी और भूमि विवाद को निपटाने को लेकर 7 दिन का समय दिया और कहा कि यदि तय समय के अंदर त्रुटि नहीं सुधारी गई तो 8वां दिन स्पष्टीकरण मांग कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए कृषि बिल को अविलंब वापस लेने की मांग पर आज भाकपा माले ने राज्यव्यापी आह्वान के तहत नाथनगर मोहनपुर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर के साथ किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए और किसान विरोधी कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त ने कहा कि तीनों कानून खेती व किसानी को चौपट कर किसानों को कॉरपोरेट और पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की मंशा देश पर कंपनी राज थोपने की है। नौगछिया प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित निर्माणाधीन मनरेगा भवन से सोमवार को बरामद हुई 40 वर्ष महिला के शव का पहचान हो गया है। मृतक महिला की पहचान नौगछिया राजेंद्र कॉलोनी के विशाय टोला निवासी किशोर पासवान की पत्नी सुनीता देवी और संजो देवी के रूप में हुई। नौगछिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर देर शाम नौगछिया स्टेशन रोड पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान परिजनों ने टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। स्टेशन रोड जाम होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नौगछिया पुलिस उग्र लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन लोग पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। बाद में परिजनों को समझाने के लिए डीएसपी मुख्यालय असरार अहमद भी पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोशित लोगों को अपराधियों की गिरफ्तारी अविलंब किए जाने का आश्वासन दिया। डीएसपी के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम को हटाया। नौगछिया थाना क्षेत्र के एनएच 31 स्थित तेतरी गुदड़िया स्थान के पास टेम्पो और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नौगछिया 0 माइल की तरफ से आ रहे टेम्पो और नौगछिया की तरफ से जा रहे मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार करने के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ गोलबंद हुए पार्षद, आयुक्त को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन। डैमेज कंट्रोल को लेकर सीमा साह और राजेश वर्मा ने की आपात बैठक, सांसद और विधायक पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। सेंट्रल जेल के सामने तेज रफ्तार पिकअप वैन और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की मौत दो घायल। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, ड्राइवर सहित दो तस्कर गिरफ्तार। और सरकारी गाइडलाइंस के बावजूद ट्रेनों में नहीं हो रहा नियमों का पालन, बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हैं लोग। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।